ऐसी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी, बस करना क्या है चैनल को सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों का इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 के ऊपर। तो ये आप लोगों का मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है, आप लोगों के पेपर जो है इसी में से बन के आने वाले हैं, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। 2 से 4 क्वेश्चन तो इसमें से आएंगे ही आएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और आप लोग बस आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा उसको थोड़ा ट्रिकी वे में देंगे, मतलब सेम एज इट इज क्वेश्चन नहीं होगा, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी वे में देंगे। तो वो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग कितनी है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप लोग समझ पाते हो या फिर नहीं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और फिर आप लोग इसका आंसर का PDF चाहते हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे आप लोग मैसेज करो और फिर अपना जो आंसर है वो कलेक्ट करके अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो जल्दी से जल्दी, ठीक है। बट PDF जो आंसर का होगा उसके लिए आप लोगों को सम चार्जेस पे करने होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, नॉट इन फ्री, मैं यहाँ पे ये भी मेंशन कर रहा हूँ, फ्री नहीं है, यहाँ पे फीस आपको पे करनी होगी। आंसर PDF के लिए एकदम एक्यूरेट आंसर होगा तो आप लोग फीस पे करके ले लेना, ठीक है, ओके। उसके बाद आप लोग अब क्वेश्चन देख लो, आप लोगों का क्वेश्चन क्या पूछ रखा है आप लोग देख सकते हो। एक्सप्लेन हाउ द वेज कैन एडजस्ट टू बैलेंस द सप्लाई एंड डिमांड फॉर लेबर व्हाइल साइमल्टेनियसली इक्वली द वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। आप लोगों का क्वेश्चन 1 आप लोगों के साथ हो चुका है, अब आप लोग देख लो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से क्या पूछ रखा है, डिफाइन एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉमन रिसोर्स। कॉमन रिसोर्स के बारे में पूछ रखा है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन और फिर पीपल कैन गुड एफिशिएंटली, आप लोगों के से ये पूछ रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख लो, डज एन इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ ऑन इम्पोर्ट रिड्यूस द गेन इन टोटल वेलफेयर फ्रॉम फीस ट्रेड। ट्रेड के ऊपर बात करना है इस क्वेश्चन में, ओके। उसके बाद आप लोग देख लो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू फार्म इन द ओलियोजोपोलिस्ट मार्केट स्ट्रक्चर नॉट कंक्लूड टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। मतलब कि इस मार्केट के ऊपर आप लोगों को बात करना है इस क्वेश्चन में, ओके। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आप लोगों से क्या पूछ रखा है, व्हाट आर एक्सेस कैपेसिटी। फिर लॉन्ग रूल बताना है आप लोगों को, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बताना है, उसके बाद लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बताना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख लो क्वेश्चन नंबर 6, एडवाइस सेक्शन मोरल हर्ज बोथ एग्जाम्पल, ठीक है। इन दोनों पे आप लोगों को एग्जाम्पल देना है और फिर एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है ये भी आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, व्हाट इज फिलीपींस कर्व। फिलीपींस कर्व्स क्या होते हैं और उसको आप लोगों को रीजन बताना है उसका, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन में आप लोगों को 3 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड अपवर्ड, इस तीनों पे आप लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मीन बाय पोस्ट पुश इन्फ्लेक्शन। आप लोगों को पोस्ट पुश इन्फ्लेक्शन के ऊपर बात करना है और फिर ये कैसे रिलेट करता है स्टैगफ्लेशन के से कैसे रिलेट करता है ये भी आप लोगों को बताना है, ओके। उसके बाद आप लोग देख लो क्वेश्चन नंबर 10, एफिशिएंट ऑफ इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विथ चार्ज इन मनी सप्लाई जस्ट इनफ टू कीप द इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट। मतलब कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दो और अगर आप लोग आंसर चाहते हो तो आप लोग सम चार्जेस पे करके अपना आंसर कलेक्ट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना आप लोग और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करके रख लो, आप लोगों के साथ ऐसे इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन के वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो फटाक से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और पेपर को डिस्कस करते हुए। थैंक यू।